हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल एजुकेशन हॉटस्पॉट। सो अपने इग्नू एमए सोशियोलॉजी की रिवीजन सीरीज में हम लोग आपका सेकेंड ईयर का सब्जेक्ट दैट इज MPS 3। MPS 3 आपका सोशियोलॉजी के साथ साथ पॉलिटिकल साइंस का भी सब्जेक्ट है, इंडियन डेमोक्रेसी एंड डेवलपमेंट। एग्जाम बहुत नियर है और ये टॉपिक हर सेशन में सब स्टूडेंट के लिए इम्पोर्टेंट है, वो टॉपिक हम कर रहे हैं। सो इस वीडियो में हमारा टॉपिक है आपका हैरटॉक कमेटी। हैरटॉक कमेटी की बात करें तो ये किस चैप्टर में है, क्या किस तरीके से आप इसे यूज कर सकते हैं, या तो डायरेक्ट शॉर्ट नोट में इसका क्वेश्चन आएगा, देन यू कैन प्रेजेंट इट। अदरवाइज ह्यूमन डेवलपमेंट आपका एक चैप्टर है, आपने देखा होगा ह्यूमन डेवलपमेंट, उसमें एजुकेशन, हेल्थ एंड सोशल सिक्योरिटी, ये सब टॉपिक आपके इंक्लूडेड है। तो वहां भी एक आपका छोटा टॉपिक बनता है हैरटॉक कमेटी। तो ह्यूमन डेवलपमेंट में 20 मार्कर में कुछ आए तो आप इसको शॉर्ट में यूज कर सकते हैं, ये इतना बड़ा नहीं यूज करोगे, शॉर्ट में वहां पे इसकी रिकमेंडेशन वगैरह कुछ यूज कर सकते हो, या फिर डायरेक्टली अगर ये क्वेश्चन आ जाएगा तो आपको उसको प्रेजेंट करके आना पड़ेगा, ठीक है। तो क्या है ये कमेटी, बहुत शॉर्ट में इजी सा कंसेप्ट है, जल्दी से आ जाएगा और पता ही नहीं है इसलिए छोड़ना पड़ जाए तो बहुत गलत बात हो जाएगी, क्योंकि मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है। इट इज वेरी इजी कंसेप्ट, आप एक बार पढ़ेंगे सुनेंगे, इसकी जो इमेज है मैं बोर्ड की वो आप लोगों को भेजूंगी, अदरवाइज कॉपी पेन लेके बैठिए, साथ के साथ सारी चीजें लिख के चलिए। थोड़ी सी मेहनत आप लोग भी कीजिए, कम टाइम है लेकिन पढ़ना तो है ही इस कम टाइम में, ठीक है। हैरटॉक कमेटी की बात करते हैं, तो ये कमेटी जो है ये था ब्रिटिश गवर्नमेंट का टाइम था, हम अंडर द ब्रिटिशर है, हम आजाद नहीं हुए हैं अभी, वो हमारे लिए प्लान पॉलिसीज प्रोग्राम सेट कर रहे हैं, तो उनके थ्रू बनाई गई एक कमेटी थी इंडिया के एजुकेशन सिस्टम को रिवाइज करने के लिए। दे कंसीडर्ड दैट इंडिया का जो एजुकेशन सिस्टम है वहां पे बहुत वेस्टेज है, बहुत स्टैग्नेंट है, ग्रोथ ही नहीं हो रही है। तो क्यों ग्रोथ नहीं हो रही है, उसकी क्या रीजन है और किस तरीके से वो इम्प्रूव की जा सकती है, इस पर्टिकुलर आइडियोलॉजी के साथ ये जो आपकी कमेटी थी ये बनाई गई थी। तो 1929 साइमन कमीशन का टाइम चल रहा था, ब्रिटिश गवर्नमेंट के थ्रू बनाई गई, क्यों, टू सर्वे द ग्रोथ ऑफ एजुकेशन इन इंडिया। इसको लीड कर रहे थे, चेयर कर रहे थे कौन, फिलिप जोसेफ हैरटॉक इसको लीड और चेयर कर रहे थे। किसने इसको अपॉइंट किया था, तो लॉर्ड इरविन ने इनको अपॉइंट, इस कमिटी को अपॉइंट किया था। प्लस इस समय पे क्या हुआ था, एजुकेशन, आपको पता है एजुकेशन को लेकर हिस्टोरिकल बात करें तो काफी सारी चीजें चल रही थी, अलग अलग कमिटी आई है, कमीशन आई है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के थ्रू, आपके जितने भी आए हैं चार्टर एक्ट के थ्रू, एजुकेशन को लेकर कभी कितना अमाउंट ग्रांट किया गया, इंग्लिश एजुकेशन को कंपलसरी किया गया, इस तरीके से मैक्रे मिनट्स की बात की गई है। तो दिस ऑल थिंग्स आर इम्पोर्टेंट हियर। तो यहाँ पे क्या किया गया था, इस पर्टिकुलर टाइम पे एजुकेशन को प्रोविंसेस में ट्रांसफर कर दिया गया था और सेंटर ने अपने जो ग्रांट देती थी वो एजुकेशन के लिए उसको डिसकंटिन्यू कर दिया था, वो देने बंद कर दिए थे। तो यहाँ पे स्कूल और कॉलेजेस के नंबर इंक्रीज तो हो रहे थे क्योंकि प्राइवेट लोग एंटर कर चुके थे, प्राइवेट इनिशिएटिव आ चुका था, उनको तो कमाना है, वो तो कितने भी ओपन करेंगे, फीस दो और अमाउंट लेंगे वो आपसे, प्राइवेट इनिशिएटिव की वजह से इंक्रीज तो हो गया था लेकिन उतना एजुकेशन का जो एक स्टैंडर्ड था, एक लेवल होना चाहिए था, देयर वाज नॉट अप टू द मार्क। जैसे आज की सीन है, इतने प्राइवेट इंस्टीट्यूट खुल चुके हैं, कॉलेज खुल चुके हैं, सब कुछ हो चुका है, लेकिन द लेवल, द स्टैंडर्ड, द नॉलेज दैट स्टूडेंट आर गेटिंग वो बहुत कम है, मतलब अप टू द मार्क नहीं है। जो प्रैक्टिकली चीजें होती है उसे अकॉर्डिंग बहुत ज्यादा सिस्टम में प्रॉब्लम है, चीजों में प्रॉब्लम है। तो यहाँ पे आप इसने फाइंड क्या क्या किया, बहुत सिंपल सी बातें हैं, वो वन बाय वन देखेंगे। इस कमेटी ने रिपोर्ट में फाइंड करा कि हम है प्राइमरी को हमें थोड़ा फोकस देना है, प्राइमरी लेवल, यहाँ पे प्राइमरी एजुकेशन कंपलसरी नहीं की है लेकिन फिर भी बात की गई कि प्राइमरी एजुकेशन को अटेंशन ज्यादा देनी है, ठीक है। गर्मी बहुत है, पंखा बंद करके वीडियो बनाना पड़ रहा है बिकॉज साउंड का प्रॉब्लम आएगा। ओनली डिजर्विंग स्टूडेंट आर अलाउड फॉर हायर स्टडीज, जो डिजर्व करते हैं, जिन्होंने अच्छा नंबर लिया है, जो पोटेंशियल रखते हैं, जो कैलिबर रखते हैं, उन्हें हायर स्टडीज के लिए भेजो, और जो एवरेज और लो स्टूडेंट है उन्हें वोकेशनल स्टडी के लिए भेजो, कुछ एक्स्ट्रा कोर्स कराओ, प्रैक्टिकल चीजों में डालो। हो सकता है भाई पढ़ाई इंटरेस्ट एरिया नहीं है, वहां नहीं अपने दिमाग परफॉर्म कर पा रहे, हर कोई नहीं इंजीनियर डॉक्टर लॉयर और पढ़ के आप ये सब काम कर सकते हो, आप हो सकते किसी और चीज में अच्छे हो। तो दिस इज अ गुड पॉइंट कि आप जो स्टूडेंट है उसकी कैलिबर पहचानो और उसको 8th क्लास के बाद से वोकेशनल कोर्सेज में डालना स्टार्ट कर दो। देन यहाँ पे चीज थी यूनिवर्सिटी को, पहली बात तो वही होना, एक सिंगल शीट ऑफ पेपर कैन नॉट डिसाइड द फ्यूचर ऑफ अ चाइल्ड। तो आप, मैं इस चीज में अच्छी नहीं हूं तो ये जरूरी नहीं है कि मैं लाइफ में कुछ चीज अच्छी नहीं कर सकती, मेरे 8th 9th 10th में मेरे सब्जेक्ट में मार्क्स अच्छे नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं एमबीए करके चीजें मैनेज नहीं कर सकती। आप देखिए आपके घर में, आपके हाउसहोल्ड में आपके पेरेंट्स एमबीए डिग्री नहीं है, स्टिल चीजें मैनेज कर लेते हैं, अप टू दैट मार्क चीजें रहती है, किचन मैनेज रहती है, घर साफ सुथरा रहता है, कोई भी फंक्शन पार्टी करते हैं तो चीजें अप टू द मार्क, केटरिंग से लेकर डेकोरेशन सब टाइम पे और अच्छे से हो जाता है। डिड दे गेट एनी मैनेजमेंट डिग्री फ्रॉम एनीवेयर, नहीं, दैट इज द थिंग जो उनमें है वो चीज, दे कैन मैनेज द थिंग्स। तो सिर्फ पढ़ने लिखने, कॉपी रटना, फॉर्मूला याद करना, पेपर याद करना, डेरिवेशन लर्न करना, इससे काम नहीं चलता है। आप लोग भी सिर्फ रट लोगे ये सब चीजें, ऑल्दो आपका सब्जेक्ट इज नॉट लाइक कि सिर्फ रटना रटना है, लेकिन ये सब रट के लिख के आ जाओगे, 60-80 नंबर ले भी आओगे, मैटर नहीं करता जब तक उसको प्रैक्टिकली अप्लाई नहीं कर रहे हो।
पढ़ा तो मैं एथिक्स रही हूँ कि सच बोलो और ये काम करो और ये नहीं करना चाहिए, मॉरल होना चाहिए, और वहीं पे इन रिटर्न मैं क्या कह रही हूँ कि जो स्टूडेंट पर्टिकुलरली मुझे ज्यादा अमाउंट पे करेगा मैं उसको ही आगे नॉलेज शेयर करूंगी, ठीक है, या फिर जो बच्चा मुझसे पढ़ रहा है मैं उसको क्वेश्चन पेपर लीक कर दूंगी। तो एथिक्स पढ़ाना और इम्प्लीमेंटेशन में डिफरेंस हो गया ना यहाँ। चलिए, तो डिजर्विंग को अलाउ किया जाएगा, यूनिवर्सिटी को अपने स्टैंडर्ड बढ़ाने पड़ेंगे पढ़ाई लिखाई के, स्कूल का जो शेड्यूल और करिकुलम है उसको भी एज पर द एनवायरमेंट एज पर द रिक्वायरमेंट चेंज किया जाएगा, टेलर मतलब चेंज करना। देन आपका मास एजुकेशन पे फोकस किया जाना था, सेकेंडरी यूनिवर्सिटी फोकस एरिया नहीं था, हम देखेंगे कि एजुकेशन ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचनी चाहिए, हम यहाँ पे बहुत ज्यादा सेकेंडरी और यूनिवर्सिटी पे डायरेक्ट फोकस करके नहीं चल रहे थे। इक्वल इंपॉर्टेंस दी गई थी वुमेन को, मैन एंड वुमेन को इक्वल वेटेज मिलेगा व्हेन वी टॉक अबाउट एजुकेशन। ये इफेक्टिव रहा, ये कमिटी थोड़ा सा इंप्रूव करने में मतलब इफेक्टिव रही, जो भी फाइंडिंग्स थी, रिकमेंडेशन थी, इम्प्लीमेंटेशन हुई, दैट वाज वेरी इफेक्टिव। क्वांटिटेटिव एक्सपेंशन थोड़ा सफर हुआ, प्राइमरी लेवल पे बहुत ज्यादा चीजें वर्क नहीं करी, लेकिन सेकेंडरी एंड यूनिवर्सिटी लेवल पे चीजें हमें देखने को मिली। नंबर ऑफ कॉलेज जो एफिलिएटेड कॉलेज थे वो इंक्रीज हुए, नंबर ऑफ एफिलिएटेड कॉलेज इस पर्टिकुलर कमिटी की रिपोर्ट के बाद यहाँ पे इंक्रीज हुए। प्लस कमिटी जो थी क्या था, प्रॉब्लम क्या थी, देखो क्यों कमिटी सेटअप करी गई और क्या चीजें थी। जब कमिटी की फाइंडिंग्स आई ना, तो कमिटी इस बात से बहुत डिससैटिस्फाइड थी कि कंट्री की जो एजुकेशन की फील्ड में ग्रोथ ही बहुत स्लो है। आज की रेट में हम लोग कुछ चीजों पे बिजी हैं और बाहर की चीजों में बच्चा छोटे लेवल से ही, फॉर एग्जाम्पल साइंस टेक्नोलॉजी इन सब पे वर्क कर रहा है। हमारे यहाँ बच्चे को कंप्यूटर अब न्यू एजुकेशन पॉलिसी के थ्रू करा गया ना कंपल्सरी की 6 से कोडिंग सिखाई जाएगी, तो प्रैक्टिकली जो चीज इंपॉर्टेंट है वो स्टार्टिंग में सिखाई जाए ना, दैट इज इंपॉर्टेंट। फॉर एग्जाम्पल 11 12th का अगर कॉमर्स का स्टूडेंट है, उसके लिए इंटीग्रेशन 3D वेक्टर सब का क्या रोल है। फिजिक्स में ऑल्दो इट इज इंपॉर्टेंट, बट आप 11 12th के बच्चे को स्टॉक की नॉलेज, शेयर्स की नॉलेज, इन्वेस्टमेंट की नॉलेज, कंपाउंडिंग की नॉलेज, ये सब नॉलेज दो। वहां मैथ्स की जगह एक फाइनेंस सब्जेक्ट ऐड होना चाहिए या मैथ्स में कुछ ऐसे चैप्टर ऐड होने चाहिए विच इज इंपॉर्टेंट, क्योंकि आगे जाके साइंस के बच्चे को भी मार्केट में तो डीलिंग करनी है, वो भी इन सबसे डील करेगा। तो वो स्ट्रक्चर आप स्कूल लेवल पे समझाओ ना, वो बच्चे को खुद से चीजें बाद में जाके सीखनी पड़ती है, ठीक है। तो ये सब चीजें हैं, कमिटी डिससैटिस्फाइड थी कंट्री की स्लो ग्रोथ इन एजुकेशन से एंड प्रॉब्लम ऑफ वेस्टेज एंड स्टैग्नेशन एट प्राइमरी लेवल। इस वजह से कंपनी ने अपनी फाइंडिंग्स दी, फाइंडिंग्स के बाद जो भी तरीके से वर्क किया गया देयर वाज क्वाइट इफेक्टिव, चीजें इफेक्टिव रही। इससे पहले ऐसा नहीं है एजुकेशन के लिए काम नहीं हुआ था, इसके बाद ऐसा नहीं है काम नहीं हुआ, पहले भी बहुत सारी चीजें थी जैसे मैंने बताया मैक्लेमिनट चार्टर एक्ट जो आई थी 1813, वहां पर भी एजुकेशन को लेकर अलग अलग तरीके से बात की गई थी। तो दिस इज हैडकॉक कमिटी, डायरेक्ट आता है, शॉर्ट नोट लिख सकते हैं आप लोग, इतना सब एक्सप्लेन किया, बोर्ड की इमेज शेयर कर दूंगी। इसमें कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, अभी एग्जाम तक टाइम है, कल का दिन है, आई थिंक परसों एग्जाम है 24, आज 23, यस प्रीवियस वीडियो भी अवेलेबल है और आपको और भी वीडियो मिल रही है। कुछ डाउट है आप मुझे टॉपिक का नाम मैसेज कीजिए, इंस्टा पे मैसेज कीजिए, आई विल ट्राई मैं ऑडियो फॉर्म में वहां पे आपके डाउट क्लियर कर दूं। बाकी कोई और डाउट है, देखो फर्स्ट ईयर वाला बच्चे अगर वीडियो देख के कमेंट करेंगे पहली बात तो यहाँ तक आएंगे ही नहीं, बट स्टिल मैं फर्स्ट ईयर के लिए वीडियो थोड़ा सा अभी टाइम है तो मैं एक दो दिन रुक के ही स्टार्ट करूंगी चीजें लानी, तब तक हम इस सब्जेक्ट पे फोकस करते हैं। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन।